नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटर वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं रिएक्ट जेएस की सीरीज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हुक्स के बारे में कि रिएक्ट जेएस में हुक्स क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और क्या पर्पज़ है हुक्स का यूज करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे वीडियो के वो आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ अगर हमारे फेसबुक पे हमारे वीडियो को या फिर हमारे आर्टिकल्स को रीड आउट करना चाहते हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं, अगर आप हमारे ट्यूटोरियल वेबसाइट.com वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल पोस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, हुक्स इन रिएक्ट जेएस। तो यहाँ से आप थोड़ा पढ़ सकते हैं कि क्या होता है और क्या मतलब, थोड़ा इसमें विस्तार में आप यहाँ स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसी पोस्ट को लेके थोड़ा समझाता हूँ आपको कि हुक्स क्या है और मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हुक्स का, इसके बारे में हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको ऊपर दिखेगा हुक्स इन रिएक्ट जेएस में। हुक्स आर अ न्यू एडिशन इन रिएक्ट 16.8, यानी कि 16.8 जो है रिएक्ट का वर्जन है। तो हुक्स का जो कॉन्सेप्ट आया है वो रिएक्ट के 16.8 वर्जन से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले ये नहीं था। इससे पहले अगर आप वर्जन यूज कर रहे हैं, अगर उसमें आप ये हुक्स का यूज करेंगे तो आपको एरर आएगा डेफिनेटली। इसलिए अगर आप हुक्स यूज करना चाहते हैं तो आपका जो रिएक्ट का वर्जन हो 16.8 हो या तो फिर इसे एवब हो। ये क्या है बेसिकली, क्या है मैं थोड़ा सा समझा दूँ। दे अलाउ यू टू यूज रिएक्ट विदाउट क्लासेज, इट मीन्स यू कैन यूज स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर विदाउट राइटिंग अ क्लास। जैसे आपको याद होगा कि अगर हमें स्टेट की वैल्यू डिफाइन करना होता था तो हमें हमेशा क्लास कंपोनेंट बनाना पड़ रहा था। इससे पहले आप फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कोई भी स्टेट की वैल्यू डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। उसी फीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि ऐसा ना हो कि हर समय क्लास कंपोनेंट के थ्रू ही हम स्टेट की वैल्यू डिफाइन करें, हम फंक्शनल कंपोनेंट में भी वैल्यू को डिफाइन कर सके स्टेट की, उस फीचर्स को इन बिल्ड करने के लिए हुक्स का फीचर्स यहाँ पर आया है। अब हम क्या कर सकते हैं, हुक्स की मदद से हम क्लास कंपोनेंट की जगह हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट में, और अगर हमें स्टेट की वैल्यू डिफाइन करनी है तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही हम अपनी स्टेट की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। जिससे एक फ़ायदा ये होगा कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो आप रिएक्ट जेएस में, उसमें अगर स्टेट की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है तो क्लास कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे प्रोजेक्ट आप फंक्शनल कंपोनेंट की हेल्प से भी बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे आप क्लास कंपोनेंट बना रहे थे उसमें हमने पढ़ा था मेथड लाइफ साइकिल के बारे में। तो मेथड लाइफ साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि अगर आप मेथड लाइफ साइकिल के फीचर्स को यूज करना चाहते हैं, यानी कि जो भी उसके अंदर फंक्शंस हैं या फिर मतलब एडवांटेज हैं, अगर उसको यूज करना चाहते हैं तो आपको हमेशा क्लास कंपोनेंट बनाना होगा। बट हुक के आने से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आप क्लास कंपोनेंट के अंदर भी मेथड लाइफ साइकिल के सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है, आप देखेंगे नीचे, हुक्स आर फंक्शन डेट लेट यू हुक इन टू रिएक्ट स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर्स फ्रॉम फंक्शन कंपोनेंट्स। रिएक्ट प्रोवाइड अ फ्यू बिल्ड इन हुक्स लाइक यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। ये दो आपका ऑलरेडी रिएक्ट की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ हुक्स है, और आप चाहें तो अपने कस्टम हुक भी क्रिएट करेंगे, वो हम आगे वीडियोज में देखेंगे कैसे हम अपना कस्टम हुक क्रिएट करेंगे। फिलहाल अब बात करते हैं यूज स्टेट और यूज इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, ये दो बिल्ड तो इनबिल्ड फंक्शन ऑलरेडी है, यानी कि हुक्स ऑलरेडी हैं जो कि हमने रिएक्ट में देखना है। तो यूज स्टेट क्या करता है, आपको फीचर्स प्रोवाइड कराता है आप अपने स्टेट की वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकें, और यूज इफेक्ट क्या करता है, आपके मेथड लाइफ साइकिल जो फंक्शंस मतलब क्लास कंपोनेंट में मिल रहे थे फीचर्स, उसको आप यूज इफेक्ट के थ्रू आप अपने फंक्शन कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि व्हेन यूज हुक्स, कब यूज करें हम हुक्स को। इफ़ यू राइट अ फंक्शन कंपोनेंट एंड रियलाइज यू नीड टू एड सम स्टेट टू इट, यानी कि हुक्स का आप तभी यूज करें जब आपको लगता है कि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कोई स्टेट की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है या फिर स्टेट की वैल्यू को यूज करना है, अपडेट करना है, सेट करना है, तो आप हुक्स का यूज करें, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, आप हुक्स को यूज ही करें। उसके बाद बात करते हैं रूल ऑफ हुक्स, रूल क्या है हुक्स यूज करने के। तो बेसिकली यहाँ चार रूल्स है जिसको कि आपको फॉलो करना होता है। पहला है ओनली कॉल हुक्स एट द टॉप लेवल, मीन्स कहने का मतलब ये है कि हुक्स को आप हमेशा टॉप लेवल पे मतलब जैसे ही आप फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे उसके बाद आपको डिफाइन करने हैं, यानी कि वी शुड ऑलवेज यूज हुक्स एट द टॉप लेवल ऑफ योर रिएक्ट फंक्शन। वी शुड नॉट कॉल हुक्स इनसाइड लूप्स इन नेस्टेड फंक्शंस और कंडीशन।
मतलब कभी भी हुक्स को हम किसी लूप के अंदर या फिर नेस्टेड, इफ एल्स नेस्टेड होता है उसके फंक्शन या फिर क्लास कंडीशंस लाइक मतलब इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, व्हाइल कंडीशन, इसके अंदर हम नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ओनली कॉल हुक्स फ्रॉम रिएक्ट फंक्शन, वी शुड नॉट कॉल हुक्स फ्रॉम अ रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शन। जैसे हम जावास्क्रिप्ट नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं वैसे आप अगर रिएक्ट में फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर आप हुक्स को कॉल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको बेसिकली एकदम रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट ही बनाना है और उसके अंदर ही आपको कोई भी कस्टम हुक हो या इनबिल्ड हुक हो उसको यूज कर सकते हैं। तीसरा है रिएक्ट रिलाइज ऑन द ऑर्डर इन विच हुक्स आर कॉल्ड। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, नॉर्मली एक हुक्स जो भी आप करेंगे बनाएंगे वो एक ऑर्डर के साथ ही कॉल होगा। हुक्स डज नॉट वर्क इन साइड क्लासेज, मतलब हुक्स को आप क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज नहीं कर सकते। ये चार आपके पास रूल हैं हुक्स को यूज करने के जो आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं डिक्लेयरिंग स्टेट कि स्टेट को अब कैसे डिक्लेयर करेंगे फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। तो यूज स्टेट हमारा है, यूज स्टेट जो हमारा है इसके थ्रू हम अपना स्टेट की वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो यूज स्टेट इज अ हुक डेट अलाउ यू टू ऐड रिएक्ट स्टेट टू फंक्शन कंपोनेंट्स, ठीक है। वी कॉल इट इनसाइड अ फंक्शन कंपोनेंट टू ऐड सम लोकल स्टेट टू इट, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। यूज स्टेट रिटर्न अ पेयर, अब यहाँ आपको समझना होगा कि जैसे आप यूज स्टेट के थ्रू अगर आप कोई भी स्टेट की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो वो ये क्या करता है, एक एरे आपको रिटर्न करता है जो कि एक पेयर में होता है। उसके अंदर वैल्यू जो पेयर क्या होता है, पहला जो उसमें पैरामीटर होता है उस एरे के अंदर या फिर पेयर के अंदर कहें, दो पेयर जो है उसमें पहला जो होगा वो आपके वैल्यू होगा जो कि करंट वैल्यू जो कि स्टेट आपने डिफाइन किया है या सेट करेंगे अपडेट करेंगे तो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो आपका करंट जो वैल्यू होगा वो होगा पहले। दूसरा होगा आपका फंक्शन जिसकी हेल्प से आप वैल्यू को अपडेट करेंगे या फिर स्टेट की वैल्यू को रीसेट करेंगे, वो होगा फंक्शन। तो यही द करंट स्टेट वैल्यू, द करंट स्टेट क्या होगा, वैल्यू होगा एंड अ फंक्शन डेट अलाउ अस टू अपडेट इट, यही दो पेयर होंगे। वी कैन कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम एन इवेंट हैंडलर और समवेयर एल्स, रिएक्ट विल प्रिजर्व दिस स्टेट बिटवीन री रेंडर्स। जैसे ही वैल्यू रेंडर होता है ना उस दौरान ये आपकी वैल्यू को स्टोर करता है और चेक करता है, मतलब उस बीच में आपका रेंडरिंग का समय ये प्रिजर्व करके रखता है। व्हेन वी डिक्लेयर स्टेट वेरिएबल विथ यूज स्टेट, यूज स्टेट के साथ आप वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं स्टेट की वैल्यू को, इट रिटर्न्स अ पेयर, नॉर्मली जो मैंने भी बताया वही है, एन एरे विथ टू आइटम्स, टू आइटम होते हैं एरे में जो कि पेयर तभी होगा जब दो आइटम होंगे। सो बाई राइटिंग द स्क्वायर ब्रैकेट, ये देखिए यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा होगा जिसके अंदर आपको दो डाटा दिख रहे हैं, यही आपका पेयर होता है। और यूज स्टेट का यूज करके यहाँ पे हम अपना इनिशियल वैल्यू स्टेट की सेव कर रहे हैं। अब स्टेट की वैल्यू जब हम क्लास कंपोनेंट बनाते हैं तो क्या लिखते थे, दिस डॉट स्टेट, स्टेट के अंदर क्या नाम उसको मतलब देना है ऑब्जेक्ट का या जो भी स्टेट का नाम दे रहे हैं वो नाम क्या होगा। तो यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट में पहला पैरामीटर यही आपका नाम है, यानी कि आपकी करंट वैल्यू यही है। अगर करंट वैल्यू गेट करना होगा तो इसी को आपको कॉल करना होता है। और ये फंक्शन है जो कि सेट करने के लिए, इस वैल्यू को अगर अपडेट करना है तो उसको लिए आपका इस फंक्शन का यूज करके हम वैल्यू अपडेट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है नेम इट इज द करंट वैल्यू और सेट नेम इट इज अ फंक्शन डेट अलाउ अस टू अपडेट इट। नोट क्या है, यू कैन कॉल यूज स्टेट एज मैनी टाइम्स एज यू वॉन्ट। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार यूज स्टेट का यहाँ पे यूज कर लिया, मतलब एक वैल्यू आपने डिक्लेयर कर दी स्टेट की, तो दोबारा आप यूज नहीं कर सकते, इसको मल्टीपल टाइम आप कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे क्लास कंपोनेंट बना हुआ है, फंक्शन एम्प्लॉई नाम का क्लास है, उसके अंदर ये वैल्यू डिक्लेयर करने का तरीका है। सबसे टॉप पे ऐसे ही हम डिक्लेयर करेंगे। अब मल्टीपल अगर स्टेट वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करना है, जैसे हम क्लास कंपोनेंट में करते थे नेम है, एम्प्लॉई आईडी है, अगर एम्प्लॉई को इन्फॉर्मेशन लाइक एज है तो हम उसमें आराम से डिक्लेयर करते थे, वही तरीका आपका इसमें फंक्शनल कंपोनेंट में अगर करते हैं तो कांस्टेंट, फिर नाम जो भी नाम देना है फंक्शन का नाम और यूज स्टेट करके आप नाम मतलब जो भी वैल्यू आपको डिफाइन करना हो की है, फिर दूसरा आप करते हैं कांस्टेंट, फिर दूसरा एम्प्लॉई आईडी, सेट एम्प्लॉई आईडी जो फंक्शन का नाम देना है, फिर यूज स्टेट के साथ उसकी वैल्यू पास कर दीजिए कांस्टेंट, एज यानी कि तीसरा आपको स्टेट की वैल्यू हो गई, सेट एज करके हमने मतलब फंक्शन का नाम दे दिया, उसके बाद यूज स्टेट करके हम उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं। तो ये डिक्लेयर करने का तरीका है। अब एक्सेस करने की बात करते हैं कि इस स्टेट की वैल्यू को डिक्लेयर तो आपने कर लिया, एक्सेस कैसे करेंगे। तो इन अ फंक्शन वी कैन यूज अ स्टेट वेरिएबल डायरेक्टली, मतलब कि इन अ क्लास बेस्ड कंपोनेंट
वी नीड टू यूज दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू, मतलब क्लास कंपोनेंट में अगर हमें वैल्यू एक्सेस करना होता था स्टेट की, तो हम लोग ऐसे करते थे दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू ऐसे करते थे, यानी वैल्यू यानी कि जो भी नाम होता था स्टेट का वो हम लिखते थे, तब हमें वैल्यू मिलती थी। बट इन फंक्शन कंपोनेंट वी डू नॉट नीड टू यूज दिस डॉट स्टेट, हमें फंक्शन कंपोनेंट में इसकी यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया नेम और सेट नेम, यूज स्टेट के साथ हमने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर दिया। अब अगर नेम की वैल्यू ये गेट करनी है तो सिंपली यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर नेम लिखेंगे, ये बस नेम नॉर्मल फंक्शन का तरीका है। उसके बाद अपडेटिंग स्टेट की बात करते हैं, तो इसके अंदर आएगा वी विल यूज द सेकेंड आइटम, यानी कि इस मतलब पेयर है ना हमारा, इसके अंदर की बात कर रहे हैं। वी विल यूज द सेकेंड आइटम फ्रॉम अ पेयर ऑफ अ एरे एज अ फंक्शन टू अपडेट स्टेट वैल्यू, ये है तरीका। यहाँ पे देखिए सेट नेम के साथ यहाँ वैल्यू अपडेट कर रहा है, यहाँ पे हमने प्रदीप लिखा मतलब बाय डिफॉल्ट हमने सेट किया, अब यहाँ पे सेट नेम के साथ हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। उसी के यहाँ पे देखिए पूरा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो इसी प्रोग्राम को हम खुद से इम्प्लीमेंट करके अभी रन करके देखते हैं। तो चलिए एडिटर पे चलते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं अपना रिएक्ट का जो भी प्रोजेक्ट हम काम कर रहे थे, ये देखिए ओपन है। अब हम जो पुराना कोड है उसको यहाँ से रिमूव करते हैं। रिमूव किया हमने यहाँ से जो यूजलेस है, जो मतलब एक इनिशियल चाहिए होता है वो मैं डाटा आपको दिखाता हूँ। ये आपका इनिशियल होता है जो कि आपको रिक्वायर्ड होता है, जिसमें आप देखें इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और दूसरा इम्पोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम, ये एक बेसिक तरीका है आपका यहाँ पे। अब बात करते हैं कि अगर हमें बनाना है या फिर कह सकते हैं कि स्टेट या हुक्स का यूज करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले उसके लिए एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन और नाम देते हैं इसका, फंक्शन का नाम हम मान लीजिए देते हैं एम्प्लॉय। यहाँ से पैरामीटर हटाते हैं क्योंकि पैरामीटर कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद रिटर्न करते हैं वैल्यू को, रिटर्न में हमने नॉर्मली क्या करना है रिटर्न कर दिया कुछ भी। तो सबसे पहले फ्रेगमेंट, आपको तरीका पता है, यहाँ पे लिखते हैं H1 जिसके अंदर हमने नाम दिया EMPLOY डिटेल, ठीक है डिटेल्स ये हमने बनाया नॉर्मली एक फंक्शनल कंपोनेंट। अब इस फंक्शनल कंपोनेंट को रेंडर करना है, तो यहाँ लिखेंगे रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, इसके अंदर बंद। अब यहाँ पे टाइप करेंगे एम्प्लॉय, उसके बाद यहाँ पे हमको याद है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी यहाँ पे हम लिखते हैं, और इसके अंदर हम देते हैं अपनी आईडी का नाम रूट जो कि हमारा ऑलरेडी है एचटीएमएल में। अब इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं npm start, वेट करते हैं ये जब तक रन होता है। ब्राउजर में ओपन हो गया है हमारा प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जो भी हमारा डिटेल्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, मतलब ये भी नॉर्मल है, इसमें भी हमने कोई भी सेट स्टेट जो हमारा हुक्स है उसका यूज नहीं कर रहे हैं। अब अगर हमें यूज करना है, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक स्टेट बनाना है जिसका नाम लिखना है नेम, यानी कि एम्प्लॉय का नेम हमें चाहिए और एज चाहिए और एम्प्लॉय आईडी हम मतलब स्टेट में स्टोर करना चाहते हैं ताकि हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकें और बाद में उसको हम अपडेट करा सकें। तो सबसे पहले आपको यहाँ कॉमा के साथ आपको इम्पोर्ट करना है हुक्स को, तो पहला हुक्स है स्टेट सेट स्टेट, ये आपका हुक्स है, यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिए। अब इसे कॉल कराना है, तो इसके बाद जैसा मैंने बताया था टॉप लेवल पे आपको करना है काम, मतलब जो भी डिफाइन करना है ये टॉप लेवल पे डिफाइन करते हैं। तो कॉन्स्टेंट यहाँ पेयर बनाया, पेयर में सबसे पहला जो भी हमारा नाम होगा स्टेट का वो, उसके बाद फंक्शन, ठीक है सेट नेम बनाया। अब यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टेट और जो भी हम देना चाहते हैं वैल्यू बाई मतलब इनिशियल वैल्यू, तो हमने लिखा प्रदीप सिंपल। अब अगर हमें इस नाम को गेट करना है तो अब हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे S3 के अंदर लिखेंगे योर नेम और योर नेम में हम पास कर देंगे सिंपली नेम, इतना करेंगे सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आया यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, यूज स्टेट सिंपल ये कॉपी किया हमने यहाँ पे, सॉरी सेट कर दिया था ऊपर यूज स्टेट करना है। सेव करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आ गया योर नेम प्रदीप। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे यूज स्टेट रखना है ना कि सेट स्टेट, ठीक है।
यहाँ पे हो गया आपका नेम आ गया। अब अगर मल्टीपल करना है, जैसे कि मैंने बताया अगर मल्टीपल स्टेट हमें चाहिए ना, कि एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए और एज भी चाहिए एम्प्लॉय की, ये सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो एम्प्लॉय आईडी के लिए अब यहाँ पे लिखेंगे ईएमपी आईडी, और यहाँ पे चेंज करेंगे नाम, इसको लिखेंगे ईएमपी आईडी, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का नाम जैसे ईएमपी 101 एम्प्लॉय आईडी हो गया। इसके बाद आया एज, यहाँ पे नाम चेंज करेंगे एज, और यहाँ पे हम एज चेंज करेंगे, मान लीजिए 28 करते हैं, सेव करेंगे। बट इसको अभी हमने कॉल नहीं किया, तो यहाँ पे कॉल भी करते रहते हैं, स्त्री स्त्री योर, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, ईएमपी आईडी और ईएमपी एज, योर एज। तो यहाँ पे अब लिखेंगे ईएमपी आईडी जो कि हमारा एम्प्लॉय आईडी का, और यहाँ पे होगा एज, सिंपल। सेव किया हमने, सेव करेंगे। अब यहाँ पे देखिए डाटा आपको मिल रहा है, नेम मिल रहा है, एम्प्लॉय आईडी मिल रही है और योर एज मिल रहा है, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आपको मिल रहा है। मतलब आपका जो इनिशियल वैल्यू आपने स्टेट की वो डिफाइन किया था वो आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि कैसे हम वैल्यू को सेट करें, मतलब अपडेट कर सकते हैं। अब स्टेट की वैल्यू हमने डिफाइन तो कर लिया, लेकिन इसकी वैल्यू को अपडेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं जिसके क्लिक पे हम वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो यहाँ बटन बनाया, नाम दिया क्लिक में, बटन का नाम हो गया। अब यहाँ पे एक इवेंट हैंडलर बनाएंगे जिसमें कि ऑन क्लिक पे वर्क करेगा हमारा, ऑन क्लिक पे इवेंट हैंडलर का नाम हमने दिया क्लिक हैंडलर, ये हमने नाम दे दिया, ठीक है। ये हमारा फंक्शन एक तरीके से, अब यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा इवेंट हैंडलर, इसका नाम दे कॉन्स्टेंट के साथ, इसको लिखे, इसको एज अ फंक्शन हमने लिखा, फिर एरे फंक्शन कॉल किया। अब यहाँ पे हमें सिंपली सेट, हमें क्या करना है, जो भी हमारा है नेम, जैसे ये नेम है, बस इसको ऐसे करना है। फिर उसके बाद आया सेट, उसके बाद ई एम्प्लॉय आई डी है, इसको भी हमने ऐसे लिखा, अभी हम वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद सेट एज, ये हमारा है। अब सबकी वैल्यू पास कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा ट्यूटोरियल वेबसाइट। अब यहाँ पे एम्प्लॉय की, ठीक है, इसको लिखेंगे ई एम बी 102, यहाँ पे हमने दिया 29। अब सेव करते हैं, सेव करने के बाद अब चलते हैं यहाँ पे, अब इसको कंसोल ओपन कर लेते हैं, इसका यहाँ पे कंसोल में चलते हैं, कंसोल नहीं यहीं पे यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे हमें डाटा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये तीन डाटा हमें दिख रहा है, यहाँ पे नेम है आपका, एम्प्लॉय आईडी है, एज है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही बटन पे क्लिक करें ये डिटेल चेंज हो जाए, यानी कि ये फंक्शन कॉल हो बटन के क्लिक पे इवेंट कैलेंडर, और इसके बाद ये जो हमारा वैल्यू है दोबारा से, जो भी हमने स्टेट की वैल्यू डिफाइन किया था वो अपडेट हो जाए, सिंपल। अब हम क्लिक करते हैं, ये देखिए क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए अपडेट हुआ, और यहाँ भी आपको इसकी वैल्यू अपडेट हो गई। जैसे आप क्लिक करेंगे, अभी देखिए एक बार क्लिक हो गया तो अपडेट हो गई, तो अब वर्क नहीं कर रहा है। अब दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं, अब दोबारा से यही चीज़ करेंगे क्लिक, ये देखिए वैल्यू अपडेट हुआ और यहाँ वैल्यू अपडेट हुई। तो ये तरीका है आपका हुक्स का यूज करके, हम जो सेट इसका है मतलब बेसिकली यूज स्टेट जो हुक है इसका यूज करके हम स्टेट की वैल्यू डिफाइन करते हैं और यहाँ पे अपडेट करते हैं। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अभी जो यूज इफेक्ट का है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हम उसका यूज करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे वीडियो को आपको मिलते रहें। आज के लिए रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक अपना ख्याल।